दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि दुनिया भर में इंसानों की मौत के लिए कौन कितना जिम्मेवार है। वैसे तो हम खुद भी पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों और खुद के मौतों के लिए जिम्मेवार बनते जा रहे हैं। खैर, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं अद्भुत। नंबर 5, सीसी मक्खी। इस छोटी सी दिखने वाली मक्खी से हर साल लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल इन मौतों के जिम्मेवार ये जीव खुद नहीं होते हैं, बल्कि इनमें पनाह लेने वाले परजीवी होता है। नंबर 4, कुत्ता। इंसानों का सबसे बड़ा वफादार जानवर कुत्ता भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शामिल है। कुत्ते के काटने से लगभग हर साल लगभग 25,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि कुत्ते में रेबीज नामक एक वायरस संक्रमण होता है, जिसके कारण लोगों की मानसिक और शारीरिक हालत बिगड़ जाती है। ये वायरस कई जानवरों के द्वारा भी फैल सकता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि यह वायरस मनुष्य में ज़्यादातर कुत्तों के काटने से फैलता है। इस बीमारी के लक्षण महीनों तक दिखाई नहीं देते हैं, और जब दिखाई देते हैं तो बीमारी लगभग जानलेवा हो चुकी होती है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। नंबर 3, इस लिस्ट में सांप भी तीसरे नंबर पर है। सांप के काटने से लगभग हर साल लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। वैसे तो सांपों की सभी प्रजातियाँ घातक नहीं होती हैं, लेकिन कई सांप तो जहरीले भी नहीं होते। लगभग 500 में से 50 सांप ही जहरीले होते हैं, लेकिन फिर भी सांप इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। नंबर 2, मच्छर। आप में से कई लोग यह सुनकर चौंक गए होंगे कि मच्छर भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल है, और मच्छर के काटने से होने वाले लोगों की मौत की आंकड़ों को जानकर आप और भी ज़्यादा चौंक जाएंगे। मच्छरों की वजह से लगभग हर साल 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। डेंगू, बुखार, येलो फीवर आदि जैसे खतरनाक बीमारियों के कारण लोगों की मौत हो जाती है, और ये सभी बीमारियां मादा मच्छर के काटने से फैलती है। नंबर 1, इंसान। हाँ, हम खुद भी हमारी मौतों के लिए जिम्मेवार हैं। हर साल लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हम इंसान खुद ही मार देते हैं। इंसान किसी को मारने के ऐसे ऐसे तरीके खोज लेता है कि विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए इंसानों को हमने नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि अगर कभी युद्ध हुआ तो इस युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की और भी मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।